नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करेंगे सेरा इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ, फाइनली आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी आपको फिर से लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ मुझे लग रहा था वहाँ तक अभी ये नहीं पहुँचा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, शेयर स्मॉल में BA DZ कैपिटल में, बिना स्पेस के है। यहाँ कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, नहीं मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक यहाँ शेयर करता हूँ। जैसे UC लगा शेयर हमें तो मैंने डाल दिया था, देखिए यहाँ पर 2:43 पर ही। अब मान लीजिए जिसको निकलना था तो हो सकता है वो निकल भी गए हों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन निकल गया यहाँ पर, है ना, और कौन कौन होल्ड किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने अभी गाइस बहुत सारे वीडियोस भी डाले, आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ आपको सारे वीडियो देखी जगह मिल जाएंगे। अडानी पावर, अडानी विल्मर, कई सारे डाले हैं ना, तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और अगला वीडियो सुजलॉन पर भी आने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए खैर, यहाँ पर देखिए ओपन हुआ गाइस 16.80 रुपये पे, प्रीवियस क्लोज था जो 17.60 रुपये था। हाई देखिए आज बनाया इसने 18.56 रुपये का, और लो बनाया है 16.80 रुपये। और यहाँ पर मार्केट बंद होते होते तो अपर सर्किट था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 0.11% माइनस में यहाँ पर क्लोजिंग दी है इसने फिलहाल आफ्टर मार्केट। और उसके बाद जो लास्ट के आधे घंटे का ट्रेडिंग होता है उसका एवरेज प्राइस लिया जाता है, तो उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे होता है। आप लोग कई बार इंडेक्स वगैरह में भी देखते होंगे 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती है तो उसके बाद प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने को मिलता है। लेकिन अब अपर सर्किट लगने के बाद बहुत सारे लोग इसमें इसको लेने के लिए दौड़ेंगे, बहुत सारे जो नए लोग हैं वो इसमें एंट्री बनाना चाहेंगे, या आप लोग एवरेज भी करना चाहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें हमें एवरेज करना चाहिए या होल्डिंग से एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मार्केट कैप देखिए गाइस कितना छोटा है, 88.3 करोड़, बहुत ज़्यादा छोटा है। छोटे से छोटा ऑपरेटर इसको 2 मिनट में मैनिपुलेट कर सकता है, और जैसा कि कर भी रहा है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी चीज़ है यहाँ पर 70% है, बस केवल एक यही एक चीज़ अच्छी है, ROCE देखिए -21.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए -74.4% है, डेट देखिए कितना ज़्यादा है 29.6 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी बनता है 1.15। और जनरली मान के चलिए जब एक से ऊपर डेट होता है तो फिर इसका मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और हाई और लो देखिए गाइस कितना ज़्यादा भगा चुके हैं ऑपरेटर इसमें, 13.60 रुपये का लो लगाता है और हाई लगाता है 90 रुपये का, और करंट प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है 17.70 रुपये। यहाँ पर आप देखिए सेल्स, ये गाइस ईयरली है सारी वैल्यू करोड़ में, सेल देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कहीं दिख रही है, और इस साल तो माइनस में है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस 0-0-0-1, और इस बार तो -14 करोड़ है। तो इस तरह के स्टॉक में आप एंट्री बनाना चाहेंगे ना, यहाँ पर FII है और ना यहाँ पर DII है, तो किसी भी तरह के ना आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, केवल यहाँ पर प्रमोटर है और बचा हुआ मामला पब्लिक का है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। आप देखिए यहाँ पर गाइस 3:27 पर मैंने लिया, और 410,347 शेयर्स यहाँ पर खरीदने के लिए लगे हुए थे, और वॉल्यूम आप देखिए आज कितना तगड़ा जनरेट किया इसने, 21,77,454। और यहाँ पर आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे, ये देखिए पहले ये देख लीजिए आप, 22 लाख का लगभग वॉल्यूम जनरेट किया, और यहाँ पर देखिए हज़ारों में केवल वॉल्यूम आ रहा था। 1 वीक का एवरेज 21,000 है, 1 मंथ का 8,000 है, और यस्टरडे 27,000 था। तो आप देखिए कितना भयंकर जंप आपको देखने को मिला है। इससे क्लियर कट ये साबित होता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आज शेयर उठाए गए हैं, क्योंकि 100% डिलीवरी है। यहाँ पर आप देखिए 21,88,610 शेयर डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और क्वांटिटी ट्रेड भी आपको यही देखने को मिल रही है। तो कोई किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री तो करिएगा, नो डाउट। बाकी अगर इसका अभी डाटा आने दीजिए, वाला जो मैं लाता हूँ ना, जहाँ पर आपको होल्डिंग दिख जाती है किसकी क्या है, अभी तक तो अपडेटेड नहीं है, होगा तो मैं उस पर भी आपको इंटीमेट करूँगा। और मैं जो लोग एंट्री एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए लेके आया हूँ, देखिए यहाँ पर पॉज करके आप पढ़िए, केवल 2 साल में 108% के रिटर्न दिए, हालांकि तगड़े रिटर्न्स हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इसके हिसाब से भी अच्छा खासा ऊपर है। तो भैया मेरी सलाह तो फिलहाल यही है कि नए लोग बिल्कुल दूर रहें, और जिन्होंने ऊपर ले रखा है एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा। ये देखिए 5 मिनट का कैंडल लगाई, यहाँ पर आपको देखिए एकदम मार्केट बंद होते होते यहाँ पर देखिए हलचल दिखी, और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट पर लॉक हुआ, और फिर फाइनली जो मार्केट बंद होने के बाद फिलहाल आपको 0.11% माइनस में देखने को मिला। अब यहाँ पर देखेंगे गाइस तो ये देखिए वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिख ही रहा, और यहाँ पर आपको 18.56 रुपये पे फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है चार्ट में, लेकिन एक्चुअल में तो आपने जो शुरुआत में देखा वहीं पर बंद हुआ है। अब गाइस यहाँ पर देखिए अच्छा खासा गिर चुका है ये, और यहाँ पर जो मैंने लेवल बताए थे जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं वो मैंने बोला था 15 रुपये, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर जाके एक बार फिर से नीचे आने की संभावना मुझे ऐसा दिखता है गाइस। देखिए मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ, मैं कोई सेविंग स्ट्रेटजी एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, साफ साफ कहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अंदर से मुझे एहसास सा हो रहा है, और मुझे जो लेवल्स भी इसके मैंने देखे थे अभी वीकली और मंथली लेवल पे जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भैया जो लेवल्स है 15 वाले वहाँ पर मुझे समाना लगती है, और नहीं लगते आता है तो वैसे मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए कि भैया इतने यहाँ यहाँ सब लोग फंसे हुए, बहुत सारे लोग फंसे हैं मुझे पता है,
बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अगर ये ऊपर जाता है तो फिर अच्छी ही बात है गाइज, उसके लिए तो मुझे खैर खुशी होगी होगी। लेकिन गाइज नए लोग बिल्कुल दूर रहिएगा, एवरेज मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर। चलिए गाइज आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। RSI भी देख लीजिए 13.17 बहुत ही ज़्यादा फिलहाल ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। और गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। लगातार अपडेट मैं लेके आता हूँ आपके लिए, गोयल अक्षिता और आप क्या कहते हैं सेरा, मैंने जहाँ जहाँ लगातार जो जो लेवल्स बताए हैं आपको वही वही फिलहाल देखने को मिले हैं। इससे पहले मैंने सेरा में शुक्रवार या शनिवार को वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि संभावनाएं हैं लगने की अपर सर्किट, क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइस ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चलिए धन्यवाद।